नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं अशोक यादव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। वाराणसी में एक माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं, दोनों शक्तिमय हैं। काशी तमिल संगमम समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा, आज दक्षिण का उत्तर से हो रहा है अद्भुत संगम। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर को होगा समाप्त। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा, 23 दिनों के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। लोक निर्माण मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने आगरा में विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उन्होंने सड़क निर्माण और सड़कों के गड्ढे भरने के कार्य में अधिकारियों को तेजी लाने के दिए निर्देश। और कानपुर में विजन 2047 को लेकर रैली वॉक फॉर कानपुर का किया गया आयोजन। 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने जनमानस को जागरूक करने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की जागरूकता रैली निकाली। वाराणसी के काशी तमिल संगमम की कल से शुरुआत हो गई। इसकी शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे। उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के समागम के तौर पर हो रहे इस कार्यक्रम को उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के मिलन के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने इस प्रकार के कार्यक्रमों की आजादी के बाद से अभी तक अनदेखी पर चिंता जताई और कहा कि इस मंथन से राष्ट्रीय एकता का संदेश निकलेगा, जिसका फायदा पूरे देश को होगा। स्वरूप क्या है, शरीर क्या है, ये विष्णु पुराण का एक श्लोक हमें बताता है, जो कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम् वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात भारत वो जो हिमालय से हिंद महासागर तक की सभी विविधताओं और विशेषताओं को समेटे हुए है और उसकी हर संतान भारतीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। यह आयोजन देश के दो सबसे प्रमुख और प्राचीन ज्ञान केंद्रों की महानता का जश्न है। यह संस्कृति और अध्यात्म के अनूठे संगम को दर्शाता है। ऐसा संगम जिसमें कला, परंपरा, अध्यात्म और ज्ञान की समृद्ध विरासत का जलवा है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी और तमिलनाडु के रिश्ते की गहराई का जिक्र किया। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा में लिखित प्राचीन मुक्तक काव्य तिरुक्कुरल के 13 भाषाओं में अनुवाद का विमोचन किया। काशी तमिल संगमम दरअसल दोनों क्षेत्रों के विद्वानों, छात्रों, दार्शनिकों, व्यापारियों और कलाकारों को साझा मंच प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के अनुरूप है। पीएम मोदी ने इस आयोजन को देश की रंगारंग संस्कृति का उत्सव बताया। हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए।
काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ये हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। तमिल भाषा के महत्व की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वो तमिल भाषा संस्कृति के विस्तार में योगदान करें। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम राष्ट्रीय एकता की भावना को नई मजबूती देगा। हमें भी पता लगा कि कितना सिमिलैरिटीज है हमारे कल्चर के, एक अमेलगमेशन जैसा है, और जैसे काशी और तेनकाशी की जो कनेक्ट है, तो ऐसी चीजों सुनने में तो इतना अच्छा लग रहा है कि जो दी एसेंस ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हैज बीन जस्टिफाइड और हैज बीन रीइंफोर्स्ड अगेन टुडे। मुझे लगता है कि आगे चलकर के बहुत सारे स्टेट्स और नॉर्थ और साउथ के बीच का संगम होगा और ऐसे ही हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे कि 12 श्रेणियों में तमिलनाडु के 2500 से अधिक प्रतिनिधि वाराणसी का दौरा करके संगोष्ठियों में हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न स्थलों का दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ महीने भर चलने वाली हथकरघा, हस्तशिल्प, पुस्तकों और कलाकृतियों की प्रदर्शनी देश के दो प्रमुख ज्ञान केंद्रों की शानदार परंपरा को बेहतरीन ढंग से दिखा रहे हैं। काशी तमिल संगमम में देश की सांस्कृतिक विविधता और गौरवशाली इतिहास का गौरवगान। कहा कि आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 ग्रुपों में यहां मेहमान आएंगे और काशी के साथ साथ अयोध्या और प्रयागराज का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं। आज दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन प्राप्त कर रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तमिल कार्तिक मास की पवित्र अवधि में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। इससे दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्त्रताब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन पा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी काशी तमिल संगम का उद्घाटन करने के लिए स्वयं पधारे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस अवसर पर आप सभी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन आजादी के अमृत काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जीवंत कर रहा है। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से छात्र, शिक्षक, शिल्पकार, साहित्यकार सहित अध्यात्म, उद्योग जगत, विरासत, नवाचार, व्यवसाय, देवालय व्यवस्था, ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा संस्कृति जगत से जुड़े 12 समूह काशी का भ्रमण करेंगे और विषय विशेषज्ञों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा प्रयागराज व अयोध्या भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारे राष्ट्र अध्यक्षों और न्यायमूर्तियों के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने रात्रिभोज के दौरान अतिथियों से विचार विमर्श किया। आयोजन से विश्व एकता, विश्व शांति और बच्चों के भविष्य पर मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सभी महानुभावों को ODOP उत्पाद भेंट किए गए। इस अवसर पर मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन और मॉरिशस गणराज्य की प्रथम महिला श्रीमती संयुक्ता रूपन, एंटीगुआ और बरबुडा के गवर्नर जनरल सर राडने एरे लॉरेंस विलियम्स, विभिन्न देशों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायविद सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दुनिया में आतंकवाद के खतरे को कम करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर दो दिनों के वैश्विक सम्मेलन को कल गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में 70 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें भारत ने अपनी बात पूरे जोरदार तरीके से सामने रखी।
अमित शाह ने आतंकवाद को लेकर बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को भी घेरा जो आतंक को सीधे या फिर परोक्ष रूप से सहयोग देते हैं। इस सम्मेलन को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को वित्त पोषित करने वाले उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के लिए नासूर है, जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या संगठन आतंकवाद को अकेला नहीं हरा सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस जटिल और बॉर्डरलेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। टेररिज्म, लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है, जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या कोई भी संगठन, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो टेररिज्म को अकेला नहीं हरा सकता, परास्त नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार इस जटिल और बॉर्डरलेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने हैं जहां अन्य मकसदों की आड़ में कुछ संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि ये संगठन आतंकवाद को फाइनेंस करने के चैनल भी बनते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को रेडिकलाइज करने और उन्हें आतंक की ओर धकेलने की साजिश करने वाली एक संस्था को बैन करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ये संगठन आतंकवाद को फाइनेंस करने की चैनल भी बनते जा रहे हैं। अभी हाल में ही भारत सरकार ने सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को रेडिकलाइज करके उन्हें आतंक की ओर धकेलने की साजिश करने वाली एक संस्था को बैन किया है। मेरा मानना है कि प्रत्येक देश को ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ देशों, उनकी सरकारों और एजेंसियों ने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टेरर हेवंस पर आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ सभी प्रकार की नकेल कसना आवश्यक है और इस पर दुनिया के सभी देशों को अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर एक मन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ देश लेकिन आतंकवाद की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती और इसलिए सभी देशों को राजनीति को भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कुछ देश राजनीति के लिए आतंकवादियों और आतंकवाद को पनाह देने वालों का बार बार समर्थन करते हैं। मेरा मानना है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए सभी देशों को राजनीति भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। साथ ही सभी देशों को टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग की व्याख्या पर भी आम सहमति बनानी होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और सरकारी कामकाज के अनुरूप ये 29 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिनों के सत्र में 17 बैठकें होंगी। जोशी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में सत्र के दौरान विधायी कार्य सहित अन्य विषयों पर चर्चा को लेकर आशान्वित हूं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बहराइच दौरे के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को मिनी किट वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4000 धान क्रय केंद्रों को संचालित किया गया है, जिन पर 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका लाभ किसान उठा सकते हैं। प्रदेश भर के किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराए गए दलहन के 4 लाख मिनी किट और तिलहन के 5 लाख मिनी किट प्राप्त कर किसान
उसकी बुवाई कर अपनी आय बढ़ाने में मदद पा रहे हैं। इस साल जो है वो हमारे 4000 क्रय केंद्र धान के शुरू हो रहे हैं और लगभग 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी इस सीजन में करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और इस तरीके से किसान को जो सूखे या बाढ़ की वजह से नुकसान हुए हैं उनको क्रय करके और उन्हें सही कीमतें को दे करके और उनको लाभान्वित किया जाए, या हमारे पास इसकी हम लोगों ने एक विधिवत योजना तैयार करके उसको कर रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने आगरा में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़कों के गड्ढे भरने के काम की प्रगति रिपोर्ट पर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और समय से कार्य पूरा न करने पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़कों के गड्ढों को भरने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है, इस अवधि में कार्य पूरा हो जाना चाहिए। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मैपिंग की जा रही है, इसके साथ ही आने वाले समय में जो पोर्टल बनेंगे वो इस प्रक्रिया से जोड़े जाएंगे जिससे सड़कों के मरम्मत कार्य की समय सीमा और निगरानी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता में कोई कमी न हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। आजादी के 100 वर्ष बाद 2047 में कानपुर का स्वरूप कैसा होगा और कानपुरवासी अपने शहर को किस रूप में देखना चाहते हैं, इसके दृष्टिगत विजन कानपुर 2047 अभियान के अंतर्गत कानपुर नगर के 116 माध्यमिक शिक्षण संस्थानों, 22 महाविद्यालयों और 3 विश्वविद्यालयों से 1,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने विजन कानपुर 2047 के अभियान से जनमानस को जागरूक करने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की जागरूकता रैली वॉक फॉर कानपुर निकाली। 1,00,000 से अधिक युवा छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ जनमानस को जागरूक किया। खुद से करो स्वच्छता का प्रयास, तब होगा कानपुर का विकास। खुद से करो स्वच्छता का प्रयास, तब होगा कानपुर का विकास। बेसिकली ये हम लोगों की एक अवेयरनेस कैंपेन है कि हमारा कानपुर और हमारा कंट्री 2047 में कैसा हो, इसकी एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। हम क्या चाहते हैं, हम कैसा सोचते हैं कि हमारा कंट्री 2047 में, हमारा जो भारत है वो 47 में कैसा दिखे स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद, इससे संबंधित है। हम ये समझते हैं कि इस तरीके की रैलियों से एक अधिक समृद्ध भारत, अधिक स्वच्छ भारत, अधिक सुशिक्षित भारत और सशक्त भारत को हम की संकल्पना साकार हो पाएगी। बहुत अन्य और भी बहुत से कार्यक्रम इस तरीके के आयोजित हो रहे हैं और उसी दिशा में एक ये प्रयास है। ये प्रयास हमारा सुफलित होगा ऐसी हम आशा करते हैं। एक नए तरीके का भारत इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से हम देख पाएंगे। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की ये तस्वीर पीतल नगरी के नाम से दुनिया में मशहूर मुरादाबाद जनपद में भी देखी जा सकती है। जनपद में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर इसको लेकर गंभीरता से काम किया जा रहा है। जनपद की सड़कों पर ओपन जिम, औषधीय वाटिकाएं, साफ स्वच्छ पार्क, स्टेडियम, हरी भरी सड़कें और ग्रीन टाउनशिप विकसित की जा रही है जो मुरादाबाद के लोगों को पसंद आ रही है। दुनिया भर से पीतल नगरी आने वाले लोगों का ध्यान आकर्षण भी ये कर रही है। मुरादाबाद में अब चंडीगढ़ की झलक दिखाई देती है। लोगों के पास अपने आयुष्मान कार्ड हैं। अब लोग बिना पैसा खर्च किए अच्छे महंगे अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि स्मार्ट सिटी जैसी तमाम सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। लोगों को हरित पार्क, ओपन जिम, अच्छी सड़कें जैसी तमाम सुविधाएं यहां दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो रहा है, उसका असर लोगों में भी देखने को मिल रहा है और भारत हमारा काफ़ी स्वच्छ और स्वस्थ हो रहा है। इसमें हमारा मुरादाबाद भी काफ़ी आयुष्मान कार्ड काफ़ी बने हुए हैं जिससे स्वस्थ भारत का भी सपना पूरा हो रहा है और हमारा स्वच्छ भारत भी। सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, रोड किनारे काफ़ी पेड़ और जो हमारे आसपास के पार्क हैं वो भी काफ़ी स्वच्छ और सौंदर्यीकरण उनका भी हुआ है। आज से हम पिछले साल आए थे जब इस पार्क में, हर्बल पार्क में, तो जब स्थिति दूसरी थी, इतना डेवलप नहीं था जितना अब सौंदर्यीकरण, सारे झूले वगैरह जो हैं अब ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि स्वस्थ
भारत और स्वच्छ भारत होना चाहिए, तो इसके दृष्टिगत हमारे जितने भी ग्रीन स्पेसेस हैं हम लोगों ने उनको टेकअप किया है और वहाँ पर साफ सफाई कराने के साथ साथ जो है हम लोगों ने वहाँ पर नए प्रकार के वैरायटी के पौधे और जन सुविधाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो झूले हों, चाहे वो जो है जन उपयोगी जितनी भी साजो सामान रहते हैं पार्क इत्यादि में, उनको सुदृढ़ीकरण और उनका उच्चीकरण करने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में दो दिवसीय इंडियन एकेडमी ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की 25वीं सिल्वर जुबली पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें देश के 10 मेडिकल कॉलेजों से आए चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में आई डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की निदेशक प्रोफेसर डॉ सोनिया नित्यानंद ने कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। सैफई मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ नरेश पाल ने बताया कि दो दिन की कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से डॉक्टर आए हैं। इन डेलीगेट द्वारा मां और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए गए रिसर्च पर उन्होंने क्या पाया वो उन्होंने जनता को बताया। इस अवसर पर चिकित्सा विशेषज्ञों ने महिलाओं के सुरक्षित गर्भधारण से लेकर स्तनपान तक और नई नई बीमारियों से निपटने के लिए विचारों को साझा किया। बीमारियों को कैसे बचाना है इससे संबंधित यहाँ पे अलग अलग शोधों पे विचार किया गया और इसमें ये देखा गया है और इसकी थीम थी कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, मतलब बच्चे और नवजात शिशु हैं इनकी जो है स्वास्थ्य का कैसे रक्षण किया जाए। तो इसमें इन राज्यों से लगभग 350-400 डेलीगेट्स आए, डॉक्टर्स आए, उसमें से कई फैकल्टी थे और हमारे पीजी छात्र थे और MBBS के यूजी छात्रों ने भी प्रतिभाग किया, जिसमें कि उन्होंने अलग अलग तरीके की रिसर्च जो कि माँ और बच्चों से संबंधित की हैं उसमें क्या उन्होंने पाया वो यहाँ पे सबको बताया जनता को। इसके आधार पे सरकार को हम लोग भेजेंगे और इससे पता चलेगा कि क्या क्या नई चीज़ एडवांसमेंट किए जा सकते हैं। तो एक तरीके से ये कॉन्फ्रेंस से हम लोग सुझाव सरकार को देते हैं कि क्या बदलाव किए जा सकते हैं। लखनऊ में पैगाम 2022 का समापन कार्यक्रम का लोहिया पार्क के रंगमंच पर संपन्न हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रकृति की वर्तमान स्थिति की उद्घोषणा से हुई। पैगाम 2022 के फाइनल में 3 टीमों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। इनमें नुक्कड़ नाटक की बेहतरीन प्रस्तुति देते हुए प्रकृति के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को दर्शाने की कोशिश की गई। कि कोई भी एक सामाजिक मुद्दा हम लेते हैं, उस मुद्दे को हम सारे स्कूल कॉलेजेस, जितने भी डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनको हम भेजते हैं कि आप इस पर नुक्कड़ तैयार करें। वो लोग अपना नुक्कड़ तैयार करते हैं, उस नुक्कड़ को हम पहले प्री राउंड करके उसमें से टॉप 10 टीम सेलेक्ट करते हैं। उन 10 टीम को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग 10 अलग अलग स्कूलों में लगातार सेमीफाइनल राउंड चलाते हैं। वहाँ पर हर एक टीम जाके परफॉर्म करती है, जजेस हमारी तरफ से जाते हैं वहाँ पर, उसमें से जो 3 टीमें सेलेक्ट होती हैं, जो मेन टीमें होती हैं, वो फिनाले पे आज यहाँ परफॉर्म करती हैं। इसके तहत एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि इस बार हमने जो विषय रखा है वो प्रकृति का पैगाम रखा है। इसके पीछे उद्देश्य हमारा ये था कि जिस हिसाब से कोविड की महामारी में जिस तरीके से हमने अपने लोगों को खोया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ था हमारा पर्यावरण। हमने जिस तरीके से उसका दोहन कर लिया है, उस तरीके से सांस के लिए, बताइए सांस के लिए हम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। तो उसके लिए हम संवेदनशील हो सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, बच्चों ने बहुत अच्छे नुक्कड़ तैयार। मथुरा में विकास कार्यों के उन्मुखीकरण पर आयोजित कार्यशाला में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प, आंगनवाड़ी केंद्र के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि एक उन्नत सोच के साथ समावेशी तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने से गांव के सभी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं तक विकास को पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सचिव और प्रधान परस्पर सहयोग से गांव के विकास की रूपरेखा सुदृढ़ करें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित करने से पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। ये मैं देखना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के रूप में क्या आप ये योगदान कर सकते हैं उस स्कूल और आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए।
और स्कूल और आंगनबाड़ी ही क्यों, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देश के भविष्य के लिए हमें कुछ योगदान करना है तो सबसे अच्छा स्थान स्कूल और आंगनबाड़ी है। एक ऐसा योगदान जब आप जनपद के बाहर भी चले जाएंगे, आपका यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, आप याद करके कह सकें कि हाँ मथुरा जनपद में मुझे एक वो स्कूल और एक आंगनबाड़ी पोस्ट मिला था और वहां को मैंने अपने प्रयासों से, किसी विभागीय मत से नहीं, किसी विभागीय बजट से नहीं, अपने व्यक्तिगत प्रयासों से मैंने वो उस स्कूल और उस आंगनबाड़ी का कायाकल्प कर दिया। अब समाचार आकांक्षी जिले से। जनपद फतेहपुर में ऐतिहासिक तालाब अमृत सरोवर के रूप में विकसित होने से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ भूजल स्तर में सुधार हो रहा है। सरकार की पहल से शहरों की तर्ज पर गांव के लोगों को भी अमृत सरोवर के जरिए पर्यटन के रूप में सुबह शाम टहलने घूमने की सुविधा मिल रही है। परियोजना निदेशक महेंद्र प्रसाद चौबे ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर का काम व्यापक स्तर पर हो रहा है। इन सरोवरों को बनाने का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और भूजल स्तर में सुधार लाना है। जनपद फतेहपुर के 834 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर बनाने हैं, उनमें से 498 ग्राम पंचायतों की आईडी जनरेट कर कार्य आरंभ हो गया है। इनमें 152 अमृत सरोवरों का काम पूरा हो चुका है। ये अमृत सरोवर पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किए जा रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। वाराणसी में एक माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय हैं, दोनों शक्तिमय हैं। काशी तमिल संगमम समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा, आज दक्षिण का उत्तर से हो रहा है अद्भुत संगम। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर को होगा समाप्त। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि 23 दिनों के सत्र में 17 बैठकें होंगी। कानपुर में विजन 2047 को लेकर रैली वॉक फॉर कानपुर का किया गया आयोजन। 1,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने जनमानस को जागरूक करने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की जागरूकता रैली निकाली। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।